कुल्लू को पहले कुलंत पीठ कहा जाता था। कुलंत पीठ का शाब्दिक अर्थ होता है रहने योग्य दुनिया का अंतिम स्थान। कुल्लू घाटी भारत में देवताओं की घाटी रही है। यहाँ के मंदिर, सेब के बागान और दशहरा हजारों पर्यटकों को कुल्लू की ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का स्थानीय हस्तशिल्प कुल्लू की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ के टूरिस्ट पॉइंट काफ़ी लोकप्रिय हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कुल्लू आकर यात्रियों को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में वन्य जीवों की एक विस्तृत विविधता को देखने का मौका मिलता है, जहाँ पशुओं की 180 से अधिक प्रजातियाँ हैं। पंडोह बांध। 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पंडोह बांध ब्यास नदी पर निर्मित है। यह जल विद्युत शक्ति उत्पादन बांध कुल्लू और मनाली की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करता है। ट्रैकिंग। कुल्लू ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, लंबी पैदल यात्रा, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे विभिन्न साहसिक खेलों के लिए भी जाना जाता है। साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग के लिए कुल्लू भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ आदर्श लॉन्च साइटें सोलंग, महादेव और बीर हैं। दुकानों में हस्तकरघा, पवनी वस्तुएं, शॉलें, पट्टू, पुराने ढंग के बर्तन आदि कई चीजें ली जा सकती हैं। मैदान के साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार के स्थानीय विभाग द्वारा नृत्य, नाटक और संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में राज्य तथा विदेशों की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ खूब आनंद लेते हैं। कुलंता पीठ। समुद्र तट से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसे कुल्लू को प्राचीन काल में मनुष्य के रहने के लिए अंतिम छोर पर बसा स्थान माना जाता था। लोकगीतों में कुल्लू को कुलंता पीठ अर्थात रहने योग्य अंतिम स्थान के नाम से संबोधित किया जाता है। वास्तव में कुल्लू का प्राचीन नाम कुलता है, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण तथा रामायण में मिलता है। कुल्लू घाटी में अनेक जगह ऐसी हैं जहां मछली पकड़ने का आनंद उठाया जा सकता है। इन जगहों में पिरडी, रायसन, कसोल नगर और जिया प्रमुख हैं। इसके साथ ही व्यास नदी में वाटर राफ्टिंग का मजा लिया जा सकता है। इन सब के अलावा यहां ट्रैकिंग भी की जा सकती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ एंड कमेंट बॉक्स में सुझाव देना ना भूलें।